चूड़दार में आके कैसा लगा? मजा आ गया, जैसे हम जन्नत में पहुंचे हैं। ये दोस्तों सरहा मंदिर में पहुंचे हैं। ये है किस तरीके से कूड़ा कचरा फैलाया गया है, ये देखिए दोस्तों। पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रविंदर नेगी और देवभूमि हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों से स्वागत करता हूँ। अभी मैं नाना जी के साथ बैठा हूँ। पहले हमको वहाँ जाना है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है और आज के मॉर्निंग की शुरुआत इस चूड़धार के खूबसूरत पहाड़ से हो रही है। नीचे देखिए पहाड़ किस तरीके से छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। हमारे गांव वाले सारे चले गए हैं, उसके बाद सीधा ऊपर जाएंगे जहां शिवजी भगवान की मूर्ति रखी है। बहुत बड़ी मूर्ति है, विशाल मूर्ति। क्या नजारा है। और अभी एक पत्थर दिखा रहे हैं आपको, बहुत बड़ा पत्थर है। ये देखिए दोस्तों, एक ही पत्थर है। इस पत्थर में जाने का सिर्फ एक रास्ता है, ये बहुत बड़ा पत्थर है। आराम से जाना मुल्ला भाई। बोलो चुड़ेश्वर महाराज की। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बहुत ही बड़ा पत्थर है और ऊपर अभी एक मूर्ति बनी हुई है, गणेश जी की मूर्ति बनी अपने आप। अभी दिखाते हैं आपको। इतने छोटे लग रहे आदमी, हम अभी बहुत ही हाइट पे है। मतलब अभी ऊपर पहुंचे नहीं है, ये 11,960 फीट ऊपर है। अभी हम ऊपर जाएंगे, देखिए आपको ऊपर आदमी दिख रहे होंगे। तो अभी हम इस पत्थर पे गए थे, आगे जैसे हम आगे पहुंच, थोड़े आपको ये पत्थर दिखा देंगे कितना ऊंचा पत्थर है ये। और दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हिमाचल के इन खूबसूरत इलाके से हो रही है, सिरमौर जिला, चुड़ेश्वर महाराज, चुड़दार के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे, भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ। तो अभी हम इस पत्थर पे गए थे, देख सकते हैं कितना बड़ा पत्थर है। और इस पत्थर पे अभी गणेश जी की मूर्ति भी अपने आप प्रकट हुई है वहाँ पे, और इससे नीचे आने का रास्ता है और इसके बाद ये और फिर ये ऊपर। रात को पहुंचे हम, रात को क्या 4-5 बजे के आसपास, और उसके बाद यहाँ पे कोहरा आ गया था। कोहरे पड़ने के बाद यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो अगले दिन की सुबह हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। अभी काफ़ी धूप है और आज हम आपको यहाँ की एक एक जगह के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आगे मिलते हैं आपसे, आगे मिलते हैं आगे। बोलो चुड़ेश्वर महाराज के, सच्चे दरबार के, सिलगुर महाराज के, सभी भक्त जनों के। तो ये है वो पत्थर जहाँ पे अभी हम ऊपर चढ़े हुए थे, ये यहाँ से कितना छोटा लग रहा है। और उसके बाद हम यहाँ से चढ़ के ऊपर आए हैं और ये हमारे नाना जी है, डंडे का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ते हुए, बुजुर्ग बुजुर्ग बन गए अभी तो। सब यूट्यूब में आएंगे कल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम जब स्पीड पकड़ लेते हैं तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। हमने सभी भक्तों को पीछे छोड़ दिया है और ये देखिए नाना जी, भक्त के दर्शन करके आ गए हैं, भगवान के दर्शन करके आ गए हैं।
बोले शंकर की जय 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 चूड़ेश्वर महाराज हर महादेव। महादेव कैसा लगा नाना जी आपको? बहुत अच्छा, चलो बहुत सुकून है। ठीक है नाना जी, कैसा लगा आपको ऊपर आके, ऊपर जाके मजा आ गया? जन्नत में आ, जन्नत। चाचा जी आपको ऑल गुड, बहुत मजा आया और बहुत ही जबरदस्त व्यू है ऊपर जाके। आप चलो हम ऊपर जा रहे हैं, प्लीज जरूर आइए। हाँ 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 जी 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 जी, चलिए ऊपर चलते हैं। रघुनाथ कैसा लगा ऊपर जाके? बहुत अच्छा लगा। आप तो ऐसे भी रघु के नाथ हो, इन्हीं के संबंधित है अभी। हाँ चलिए चलते हैं। हाँ जी आपको कैसा लगा ऊपर जाके? कहाँ गए हमारे हो? जय। हाँ जी आपको कैसा लगा ऊपर जाके? क्या हुआ, पहली बार थे ना आप? पहली बार था हमारा। कैसा लगा आपको? बिल्कुल मन शांत। शांत, ओहो चलो हम भी शांत शांत होके आ जाते हैं। मन की शांति है। हाँ शांति है, शिव के परम परम दर्शन है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मेरा शिव जो है। बम बम भोले, बम बम भोले, जय शंकर भगवान। हम भी पहुंचने वाले अब। बम 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 भोले, पहुंच गए, पहुंच गए। हर हर महादेव, बोलो चूड़ेश्वर महाराज के, शिलगुरु महाराज के, सभी भक्त जनों के। पहुंच गए दोस्तों। आवाज काट दूं। सबसे ऊंची जगह पे आ चुके हैं हम, 12,000 फीट के ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए इधर व्यू, व्यू सारे शंकर भगवान की मूर्ति से ले लीजिए। बोले चूड़ेश्वर महाराज की, शिलगुर महाराज की, बोले शिलगुर महाराज की, सभी भक्तों की, हर हर महादेव, जय शंकर की। तो दोस्तों अभी हमको नीचे जाना है जहाँ पे मंदिर है, उसके बाद हम घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये हमारे कुछ गांव के लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए क्या नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही सुंदर। ये है पाताल कुआं, ये अब बंद कर दिया निश्चित रूप से। इस पाताल लोग दिखता है यहाँ से, ऊपर है भगवान महादेव, पत्थर रखे गए हैं। हाँ ये वाले है ना, हाँ तभी दिखे गए से। अंदर कीर्तन चल रहा है और अब चलते हैं नीचे की ओर। हमारे साथी सभी लोग चले गए हैं, बाकी थोड़े से रह गए होंगे, साथ के दो चार बंदे, बाकी सभी लोग चले गए। हम भी चले। हमने ना एक नया तरीका ला रखा है, उस हम थोड़े थक गए हैं और थकान भी बहुत ज्यादा आ रखी है, इसलिए हमने सिटी ला रखी है। सिटी के माध्यम से हम अपने भोले बाबा को याद कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, हमारे शिलगुर महाराज चले गए आगे, हम थोड़े लेट हो गए थे, आपको दिखा नहीं सका। और ये है नीचे का रास्ता, जो कि काफी सुंदर रास्ता है, काफी खतरनाक रास्ता है, जंगलों के बीचों बीच जाना है हमको। भी रास्ते में जो भी होता है आप सभी को दिखाऊंगा, किस तरीके से आप लोग जब भी आओगे तो किस तरीके से रास्ते का प्रयोग करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। यहाँ से आए हैं दोस्तों अभी, ये हेलो
आप सभी को कैसा लगा? आप सभी को कैसा लगा चूड़दार में आके? कैसा लगा? मजा आ गया, जैसे हम जन्नत में पहुंचे हैं। वाह वाह, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। सिटी हो जाए, सिटी हो जाए, एक बार फिर सिटी हो जाए। साइड देख सकते हैं, मानव द्वारा देख सकते किस तरीके से कूड़ा कचरा फैलाया गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोगों की गलती है। देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों की गलती है, मतलब इकट्ठा करके एक जगह डाल रखा है यहाँ पे। आया था यहाँ पे डस्टबिन लगा हुआ है, तब भी लोग यहाँ पे नीचे फेंकते हैं। और एक जगह मैंने ऊपर देखी थी, वहाँ पे कूड़ा ही कूड़ा था। जहाँ तो दूर है वहाँ तो चलो। हाँ, चाहते हो? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ पे इतना बड़ा डस्टबिन लगा हुआ है। हाँ, तो रोड पे फेंकने की क्या जरूरत है? ऐसे माहौल में, ऐसे इलाके में, ऐसे बुग्याल में फेंकने की क्या जरूरत है? प्यारी सीन है यहाँ पे। हाँ, आप क्या बोलोगे? ऐसा गंदा काम कर रहे हैं, दोबारा आना तो ऐसा कचरा ना फैला यहाँ पे। ये देखिए हर जगह त्रिशूल बना रहे, तब भी ऐसा कचरा। हम अभी जंगलों के बीचों बीच चल रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर रास्ता है। इस रास्ते से चल रहे हैं, देखिए घास के ऊपर चल रहे हैं हम, क्योंकि हमने चप्पल नहीं पहनी हुई है। भी दिखा दीजिए। हाँ, क्यों आपने तो चप्पल पहन रखी है, वो भी किसी के चुरा के? चुरा के, ये भगवान का प्रसाद है। प्रसाद नहीं, आपने चुरा के चप्पल ला रखी है। प्रसाद चुराई तो आपने भी थी, पर वो आपसे किसी ने चुराई। हाँ, ये बात भी आपकी सत्य है। वाह 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 वाह, क्या सुर आ रहे। वाह वाह, ओ छुट्टी है रे ओई गयो, ओ मुला का गाना, ओ छोड़ी जांदा दे सो सोने सारो, छोड़ी जांदा मूल को। वाह वाह, क्या सुर आ रहे, ऐसे सुर यार जंगलों में आ सकते हैं, लैटरिंग में आ सकते हैं। ये ऊपर चूड़दार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सड़क नहीं है तो ऐसे ही जाना पड़ता है पैदल पैदल। नजारा है नरू, क्या नजारा है, वाह। इधर और इधर सेब का बगीचा है, सेब के बगीचे है इधर और उधर दोनों साइड, और बीच में है खूबसूरत रास्ता। ये देखिए बहुत ही आनंद भरा रास्ता, बहुत ही मजेदार रास्ता। अभी हम सरा मंदिर में पहुंचने वाले, सीधे आपको देवता के दर्शन वहीं कराते हैं। सरा
सरहा में पहुंच गए दोस्तों, हम सरहा में सरहा मंदिर में पहुंच गए दोस्तों, सरहा मंदिर में पहुंच गए। ये है सरहा मंदिर। बोलो चुड़ैल महाराज के। ये देखिए दोस्तों कैसी कला करती है। बोला चुड़ैल महाराज की। ये है सरहा मंदिर, बिजट महाराज का मंदिर है। यहाँ पहुँच गए सभी गांव वाले। अब इसके बाद सीधे गाड़ी में बैठेंगे और सीधे गांव के तरफ रवाना। बिजट महाराज का मंदिर। तो अभी हम मंदिर से दर्शन करके आ गए हैं, अब जाते हैं सीधा मार्केट की तरफ और आपको मार्केट दिखाते हैं। यहाँ पे सरहा का मार्केट दिखाते हैं आपको, सरहा का मार्केट। ये है सरहा का छोटा सा मार्केट, काफ़ी सुंदर मार्केट है और काफ़ी सुंदर घर है यहाँ पे। और घरों के बीच बीच में आपको सेब के पेड़ दिखाई देंगे, सेब के बगीचे दिखाई देंगे। ऊपर साइड जहाँ मंदिर है, मंदिर की साइड तो और भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम अपने साथियों का, गाँव वालों का इंतज़ार करते हैं। ये महाराज जी का प्रस्थान हो गया है, हम भी अब चलते हैं अपने इस साधन में।